स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बाद फाइनली ट्विटर पर भी यूजर स्टोरी का फीचर इस्तेमाल कर पाएंगे। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने अपने यूजर्स का एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए स्टोरी वाला फीचर लॉन्च कर दिया है। इस फीचर का नाम ट्विटर ने रखा है फ्लिट्स। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आया होगा, भाई स्टोरी नाम रख देते तो अच्छा रहता, लेकिन ट्विटर ने ऐसा नहीं किया। ट्विटर ने इस स्टोरी वाले फीचर का नाम दिया है फ्लिट्स, और इसका मतलब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे स्टोरीज फीचर में होता है, वैसे ही ट्विटर यूजर्स अपने थॉट, वीडियो, फोटो वगैरह पोस्ट कर पाएंगे, जो कि 24 आवर के बाद गायब हो जाएगा, यानी कि डिसअपियर हो जाएगा। ट्विटर यूजर्स इस फ्लिट्स नामक स्टोरी वाले फीचर पर लाइक, रीट्वीट या कमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर प्राइवेट रिप्लाई का ऑप्शन ऑन है तो ट्विटर यूजर, जिस भी यूजर ने फ्लिट्स को अपडेट किया है, उस यूजर की फ्लिट्स पर प्राइवेटली रिप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले ये फीचर मार्च में ब्राजील में लॉन्च हुआ था, उसके बाद इटली में लॉन्च हुआ था, और फाइनली इंडिया में भी अब फ्लिट्स का इस्तेमाल आप कर पाएंगे। अभी ये फीचर टेस्टिंग पर है, और जल्द ही अगर टेस्टिंग सही रही तो ग्लोबली ट्विटर के सारे यूजर इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी फिलहाल एंड्रॉयड और iOS यूजर ही इस फीचर का इस्तेमाल कर पाएंगे, जिसका नाम है फ्लिट्स। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड बटन है उसको प्रेस करके जरूर से सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल कर दे, क्योंकि इसी से आपको नई वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलने वाली है। दोस्तों, मैं ले चलता हूँ मेरे स्मार्टफोन की स्क्रीन पर, और वहां पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप ट्विटर के इस नए फीचर जिसका नाम है फ्लिट्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ट्विटर पर अपने फॉलोअर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, प्ले स्टोर पे जाके सबसे पहले आपको अपना ट्विटर जो है एप्लीकेशन उसको अपडेट कर लेना है। अगर आप एप्पल यूजर हैं तो iOS का जो स्टोर है, ऐप स्टोर, वहां पे जाके अपने ट्विटर को अपडेट कर लीजिए। अपडेट जैसे ही आप करोगे, ऊपर की साइड पे आप देख सकते हैं स्टोरी का एक नया टैब आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जिन लोगों को फॉलो कर रहा हूँ उन सारे लोगों के ऊपर इस साइड पर मुझे बता रहा है कि इन सारे लोगों ने फ्लिट को अपडेट किया है। अगर आप बात करें आपके खुद की फ्लिट को अपडेट करने के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है यू का, वो आपका खुद का होगा, यानी आपको जो नई नई स्टोरीज अपडेट करनी हो इस ऑप्शन के जरिए आप कर सकते हैं। तो चलिए एक नई स्टोरी हम अपडेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे टैप करना है, तो मैंने जैसे ही टैप किया तो यहाँ पे पूछेगा शेयर अ फ्लिटिंग थॉट, यानी आपको जो भी फ्लिटिंग थॉट जो है, आपको जो भी मतलब टेक्स्ट आपको अपडेट करना है ट्विटर की स्टोरी में, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं हे ट्विटर। मैंने अभी ये टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक साइड पे देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन है, इस ऑप्शन का मतलब ये कैमरा का आइकन आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम टैप करेंगे तो हमको जो नया फोटो या वीडियो क्लिक करके या रिकॉर्ड करके अपडेट करना है तो वो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्लिक करके अपडेट कर सकेंगे। और तीसरा जो ऑप्शन है, यानी जो इमेज वाला, तो इसमें आप कोई भी फोटो या वीडियो जो आपकी गैलरी में सेव, जो आपके फोन में सेव है, उसको अपडेट करना चाहते हैं तो उसको आप कर सकते हैं यहाँ पे। अभी मैं ये टेक्स्ट को अपडेट करूंगा और फ्लिट कर दूंगा। तो जैसे मैंने फ्लिट किया तो ऊपर की साइड पे आपको स्वाइप अप करना पड़ेगा। यहाँ पे स्वाइप अप करेंगे ऐसे, तो जो मैंने जो स्टोरी को ऐड किया है, जो फ्लिट को ऐड किया है, वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अभी यहाँ पे बता रहा है हे ट्विटर, हमने टेक्स्ट अपडेट किया था, और यहाँ पे नाउ का ऑप्शन है। 3 डॉट में हम जाएंगे तो इस जो फ्लिट है इसको डिलीट भी कर सकते हो, साथ ही इसको ट्वीट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो नो वन हैज सीन योर फ्लिट लेट, यानी कि अभी तक हमारी जो फ्लिट है कोई भी हमारे फॉलोअर ने देखी नहीं है, इसलिए ये मैसेज हो रहा है। अभी हमने हमारी खुद की फ्लिट जो अपडेट कर ली, अभी हम कोई दूसरे की फ्लिट जो है देखेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने एक अपडेट दी है, एक ये टैक्स वाला है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे एक साइड पे ये एक इमोशन का आइकॉन आपको शो जाएगा, यानी आपको जो भी स्टोरी पे अपडेट देनी है, आपको स्टोरी कैसी लगी, तो जैसी स्टोरी यानी कि फिट लगी हो उसके हिसाब से आप यहाँ पे इमोजी को रिप्लाई कर सकते हैं जिस भी यूजर ने अपडेट किया है ट्विटर पे फ्लिट उसको। ठीक है, यहाँ पे रिप्लाई भी कर सकते हैं आप, कुछ भी आपका टैक्स वगैरह है हाय करके यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं, गुड स्टोरी वगैरह वगैरह। तो ये क्या करेगा कि ये जो हमने रिप्लाई किया रिप्लाई बाय डीएम, तो भी डायरेक्टली रिप्लाई हो जाएगा जिस भी यूजर ने उस फ्लिट को अपडेट किया होगा उसको, यानी कि डायरेक्ट मैसेज हो जाएगा। अभी दूसरी यही यूजर की मुझे दूसरी स्टोरी देखनी है तो सिंपली राइट स्वाइप अप करूंगा तो नीचे आप देख सकते हैं तो दूसरी स्टोरी आ जाएगी। अब मुझे दूसरे यूजर की स्टोरी देखनी है तो मैं सिंपली स्वाइप राइट करूंगा
तो यहाँ पे दूसरे यूजर की स्टोरी आ गई है। तो गाइस यहाँ पे प्राइवेटली डीएम का रिप्लाई ऑप्शन जो है इस यूजर ने अपनी फ्लिट में ऑफ करके रखा है, तो यहाँ पे वो ऑप्शन शो नहीं हो रहा। हम सिर्फ इस स्टोरी को व्यू कर सकते हैं और यहाँ पे थ्री डॉट में जाके इस स्टोरी को रिपोर्ट कर सकते हैं या उस यूजर को म्यूट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अभी भी इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस है या फिर मेरे यूट्यूब चैनल के लिए आप सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अभी तक आपने मेरे को ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो मेरा ट्विटर हैंडल है @iHamadAlam, जाके जरूर फॉलो कर लीजिए। नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दें, क्योंकि इसी से आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।